हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय कोठारी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ 99% स्लिप डिस्क कैन बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। और आज आपको एक मैं ये एग्जांपल देके प्रूव करता हूँ। ये निखिल, ये रहते हैं रायगढ़ में और इनको 6 महीने पहले गर्दन में बहुत बड़ा स्लिप डिस्क था और पूरा राइट हैंड में दर्द था, वीकनेस भी था। इनको 5 डॉक्टर्स ने बताया था कि आपको सर्जरी की जरूरत है, बट व्हेन आई सॉ हिम His power was okay, sensations were okay, सिर्फ दर्द था। मैंने बोला यू आर यंग, यू विल हील कम्प्लीटली विदाउट सर्जरी। एंड ही फॉलोड इनिशियली रेस्ट और उसके बाद मैंने एक्सरसाइजेस दिए और धीरे धीरे आज ये आए हैं, इनका पेन 100% कम है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इनका MRI है, इसका डेट है 26/11/23, मतलब 9 महीने पहले का ही MRI है। और इनको 2, 3, 4, 5, 6 C5 और C6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ राइट साइड में एक काफी बड़ी डिस्क बाहर आ गई थी। यू कैन सी हियर ऑल्सो C5 और C6 में ये डिस्क पूरा बाहर आने के वजह से इनको नर्व के ऊपर दबाव आने के कारण दर्द था। और अभी ये सामने अगर आप देखेंगे तो कंपेरिजन MRI है, ये जो डिस्क बल्ज था इतना बड़ा, दैट डिस्क बल्ज हैज कम्प्लीटली डिसअपियर्ड। एंड ये जो पूरा फ्रैगमेंट बाहर आ गया था, दैट इज हील्ड कम्प्लीटली, यू कैन सी हियर। सो हम निखिल से समझेंगे कि निखिल तुला काय त्रास होत होता आणि आता कसं वाटतंय? ऍक्च्युअली मला झाला होता प्रॉब्लेम, तो खूप त्रास होता, थोडासा त्रास खूप झाला होता। कुठून कुठे दुखायचं तुला? इथून नेक पासून पूर्ण शोल्डर पर्यंत आणि उजव्या अंगठ्याला मुंग्यायचं। बरोबर, तर त्रास एवढा होता। मी माझ्या इकडे मारमी ट्रीटमेंट केली पण तिकडे मला काही फरक पडला नाही, त्यामुळे माझ्या रिलेटिव्ह त्यांच्याकडे मी आलो। तर पुण्यामध्ये तर सर्जरी सांगितलेली, मी खूप ठिकाणी गेलो, सर्जरी सांगितली, नंतर मला एक ऑप्शन मिळाला की तुमच्याकडे आलो, तुम्ही ऑप्शन छान दिला आणि ज्यातून रिकव्हरी मी ओके झालो। आता कसं पेन किती टक्के कमी आहे? 99% पेन कमी आहे। आता काही गोळ्या खायची गरज पडत नाही, एक्सरसाइजनेच बरा झालाय पूर्ण। एक्सरसाइजने बरा झालं आणि थँक्यू सो मच। चलो, ग्रेट ग्रेट, ओके, थँक्यू।